मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु ओम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वचायाणम नमो लोये सवसाहूणम। जय जिनेन्द्र, मंगलम में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे महासती चंदन बाला के जीवन चरित्र के बारे में। उसके बाद में आप सुनेंगे जैन ग्लोबल न्यूज़। फिर हम आपको दिखाएंगे नौका स्मरण के साथ महावीर जीवन चरित्र, और अंत में आपको हम देंगे एक सुविचार। मंगलम में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे स्वामी श्रुत प्रज्ञा जी से महासती चंदन बाला के जीवन के बारे में। उनका जीवन चरित्र आप सब जानते हैं, लेकिन आज चर्चा होगी उनके संस्कारों के बारे में। उन्होंने जो जीवन व्यतीत किया, जो कठिनाइयों का सामना किया और जिस तरह से किया, इन सब का कारण उनके संस्कार थे, और इन संस्कारों को उन्होंने पाया अपने दादाजी से। तो चलो सुनते हैं महासती चंदन बाला के संस्कारों के बारे में। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूली भद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम जय। भरत खंड में अंग देश की राजधानी, और उस राजधानी का नाम चंपा नगरी, और उस चंपा नगरी में महाराजा दधिवाहन राज्य करते हैं। दधिवाहन की शीलवती पत्नी का नाम, ये पात्र याद रखना, और धारिणी को एक पुत्री थी, दधिवाहन को एक पुत्री थी, उसका नाम वसुमती। ये एक पूरा पात्र यह है। और कौसंबी का महाराजा सतानिक, इन दोनों में आपस में वैर था। दधिवाहन में और सतानिक में आपस में वैर था, दोनों शत्रु थे, क्योंकि दोनों राजा थे, तो राज्य के कारण, साम्राज्य के कारण, कुछ जमीन के कारण दोनों में शत्रुता थी, वैर था। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो कौसंबी के राजा सतानिक थे, उन्होंने चंपा नगरी पर अटैक किया। पहले मैं ब्रीफिंग कर रहा हूं स्टोरी का, फिर मुझे अंदर एक 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 चीज खोल ली है। तो उन्होंने चंपा नगरी पर अटैक किया और चंपा नगरी को पूरा लूटने की कोशिश की। इतने में वसुमती और धारिणी दोनों अपने महल में थे, क्योंकि दधिवाहन तो जब युद्ध हुआ तो सैन्य लेके निकल पड़े, और इधर घर में रह गई दोनों, माँ और बेटी। और एक सुभग नाम का, उसका एक लुटेरा कहो, उसका एक अंगत व्यक्ति कहो, वो आए और उन्होंने अपनी चालबाजी का प्रयोग करके उसको लुभा के कहा कि आप इधर फंस गए हो, और उन्होंने इस सतानिक ने आक्रमण किया है चंपा नगरी पर और पूरे राज्य को घेर लेने की कोशिश की है, आप चलिए, मैं आप दोनों को बचा लेता हूं, और आप दोनों को मैं दधिवाहन तक पहुंचा देता हूं। और उसको लेके गए, निकला चालबाज। जब जैसे ही गांव के बाहर दूर ले गए, मन पलटा और उसने कहा कि दधिवाहन यह कोई नहीं है, मैं आपका अपहरण करने के लिए आपको यह लेके आया हूं। और वो सुभग नाम का आदमी धारिणी को कहता है कि मैं आपके साथ शादी करूंगा, मुझे आपके साथ संबंध बनाना है, और ये वसुमती वो मेरी बेटी होगी, और तुमको मेरे साथ रहना है, किसी भी हालत में मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा व्रत है, एक बार मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूं उसको छोड़ता नहीं।
तारिणी ने कहा यह कभी हो नहीं सकता है, स्वप्न में भी कोई दूसरा व्यक्ति मेरे प्रति ऐसे विचार रखे मैं उसको स्वीकार नहीं करती हूं। और उन्होंने बहुत साहस के साथ कहा कि तुम निकल जाओ, अदरवाइज तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा। बहुत बोल्ड स्त्री थी धारिणी, शीलवती थी। उसने कहा मुझे छुआ तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आ सकता है, लेकिन ये आदमी तो आवारा था। उसने कहा हो ना हो मैं मेरा संकल्प पूरा करके रहूंगा। तो उसने कहा अगर आप संकल्प पूरा करने जाते हो तो मैं मृत्यु को स्वीकार करोगे। तो सुभग ने कहा मृत्यु मृत्यु की बात करना सरल है लेकिन मरना इतना सरल नहीं है। जैसे ऐसे कहा तो धारिणी ने अपनी जीभ निकालकर वहीं का वहीं अपना प्राण त्यागने की कोशिश की। वसुमती डरी कि मेरी मां का वियोग हो रहा है मैं क्या करूंगी, और वसुमती वहां धारिणी अपना प्राण छोड़ती है। वसुमती को वो लेकर चला जाता है एक नारी बाजार में और वहां दासियां बिकती है, वहां पर बिकने के लिए सौदा करने के लिए स्त्री को खड़ा कर देते हैं और इसकी बोली बोली जाती है कितने में खरीदी जाएगी। और बोली बोलते बोलते पहुंच गई 4 लाख स्वर्ण मुद्रा, 4.5 लाख स्वर्ण मुद्रा। और इतने में कोई संयोग समझो या चंदना का शुभ कर्म का उदय समझो, धन्यवाद सेठ वहां पहुंचे और उन्होंने यह दृश्य देखा, उनका उनका मन पिघल गया। उसने कहा चेहरे से लग रहा है, इनकी आंखों से लग रहा है ये कोई कुलीन घर की लड़की है, और ये लड़की वेश्या के वहां जाए इससे तो अच्छा है कि मैं खरीद लूं। और वो उसको खरीद लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं। और दधिवाहन की है पत्नी मूला, अब मूला बोलवा माटे होठ खोलवा पड़े, मूला। और मूला कौन जो जिस सबको मूली बनाकर खा जाए, ऐसी मूला वो तो दधिवाहन निभा सकता है इस औरत को। धन्ना धन्ना सॉरी सॉरी वो धन्ना सेठ निभा सकते हैं। और बस और मुला ने उसके साथ बहुत कष्ट दिए, इतने कष्ट दिए जिसकी बात छोड़ दो। लेकिन चंदन ए लेकिन वसुमती थी, धर्म का संस्कार मिला था और उन्होंने सब कष्ट सहन किए। किस भाव से किए, क्यों किए, सब मैं बताऊंगा। मुझे तो स्टोरी को आपके साथ मैच करना है और मुझे खोज करना है कि आप में से कौन वसुमती बन सकती है, कौन मूला बन सकती है, कौन दधिवाहन बन सकता है, कौन सतानिक बन सकता है, कौन सुभग बन सकता है। मुझे तो आप में से पात्र खड़े करना है, इसलिए मैं स्टोरी को 5 मिनट में समेट रहा हूं, क्योंकि आप सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो बहुत इजी है क्योंकि याद हो गया ना। और फिर वहां इतना कष्ट करती है और मूला उसको बहुत कष्ट देती है। और ये जो होता है धन्ना सेठ, वो तो अपना धंधे के लिए बार बार परदेश जाता रहता है और बिचारी ये वसुमती घर में बहुत कष्ट देते हैं। और अंत में होता यह है कि ईर्ष्यावश उसके साथ उसको भूखे रखते, खाना नहीं देते, अंदर भवेरे में बेसमेंट में उसको डालकर मार पीट के वहां बिठा देते, बेड़िया मार देते, ये करते सब करते थे, यह सबको मालूम है। और फिर वो भावना भाती है कि कोई साधु संत मेरे घर पर आए तो मैं भिक्षा करा के कुछ खाऊं। खाने को तो कुछ था ही नहीं, वो औरत के बांकड़े पड़े थे। जब वो धन्यवाद सेठ आए तो पता चला 3 दिन की भूखी है और औरत का बांकड़ा, उन्होंने कहा तू खा ले और मैं तुझे छुड़ाने के लिए बाहर से किसी आदमी को बुला लेता हूं ताकि बोरियत सारी खोले। और वो उधर गए बुलाने, इतने में तो महावीर स्वामी आए, देखा उनका अभिग्रह पूरा होने वाला था, 13 बोल का अभिग्रह था, 12 बोल पूरे हो गए, 13वां पूरा नहीं हो रहा था। महावीर स्वामी विदा होने लगे और इतने में सोचा कि भगवान जैसे भगवान मेरे द्वार से चले जाए इससे बड़ा मेरा पाप का उदय क्या। इतने में धुसके धुसके रोती है और कहती है कि भगवान आपके पास देने के लिए मेरे पास आंसू के सिवाय, तो भगवान ने यह सुना कि आंसू के सिवाय कुछ नहीं है। भगवान आए क्योंकि वो बोल बाकी था, आया और उनके हाथ से अड़ुत के पांकुड़े का पारणा किया। इंद्र
और देवताओं ने देवदुंदु भी की और चंदना की और वर्धमान की जय जयकार हुई। पांच महीना और 25 दिन के उपवास का पालना हुआ। 5 महीना और 25 दिन जाते थे रोज भिक्षा के लिए, लेकिन खाली हाथ लौटते थे, कुछ नहीं मिलता था। 13 बोल अभिग्रह पूरा कैसे हो मैं बात करूंगा अभी शॉर्ट में, वो गोच नहीं करके वापिस आए। फिर उनके छोटे भाई उनको लेने आते हैं, वसुमती को, अब चंदनमाला बन जाती है, क्यों बन जाती है अभी बताऊंगा। कुछ वो चंदनमाला को लेने आए, उन्होंने कहा मैं आ सकती हूँ, मेरे पिताजी आज्ञा देते हो, क्योंकि धन्नावा उसके लिए कौन थे, उनको तो अपना सब भूल गए थे, तो ये कहे तो, और उनकी आज्ञा मिली, वो आए, सब परिवार की आज्ञा ली, दीक्षा ग्रहण की, केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष मिला। पहली चीज कर्म का सिद्धांत, कर्म से परिस्थितियां पैदा हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा, कर्म से परिस्थितियों का निर्माण होता है। स्टेटमेंट बराबर समझ लेना, मैं बहुत शॉर्ट में बोल पाऊंगा। कर्म से परिस्थितियां पैदा होती है, लेकिन वो परिस्थितियां किसी को भी सुखी दुखी नहीं बना सकती। कर्म से परिस्थितियां मिलती है, कर्म से सुख दुख नहीं मिलता है। ज्योतिषी ग्रहों को सुख दुख का कारण मानता है। और आगे जाओ, आयुर्वेद कहेगा तुम्हारे प्रॉब्लम का कारण वात पित्त कफ। और आगे जाओ अमेरिका के लोगों को पूछो आपके प्रॉब्लम का कारण अमुक पर्सन, अमुक सिचुएशन, अमुक इंसिडेंट्स, मेरी प्रॉब्लम का कारण, अमेरिकन लोगों को पूछना 3 कारण। आपके प्रॉब्लम का कारण ए मेरा हस्बैंड, अभी लोगों को पूछना, या फिर ये सिचुएशन ठीक नहीं है, बट इज वेदर इज सो बैड, तो तुम ठीक करो उसको, तो नहीं कर सकते हैं, या तो व्यक्ति को दोष देगा या फिर सिचुएशन को, सर्कमस्टांसिस को, गुजराती में कहूं तो संयोग ने दोष आपे, और तीसरा कारण इंसिडेंस। मैं इधर से गाड़ी लेके गया तभी एक्सीडेंट हुआ, मैं उधर से जाता तो कुछ नहीं होता, घटना इंसिडेंट्स। ये 3 कारण। अमेरिका का सिद्धांत है दोष मेरा नहीं है, दोष अंदर नहीं है, दोष मुझे लगता है थोड़ा बहुत अभ्यास किया, और इसीलिए यहां पर लोग देखना बार बदले, खुद को नहीं बदलेंगे। आपके दुख का कारण कौन, आपके कर्म, गलत बात, छाती ठोक के कहता हूं कभी कर्म किसी को दुखी नहीं कर सकते हैं। अगर कर्म दुखी करते तो महावीर को क्यों नहीं कर सके, मुझे जवाब दो आप, कैसे सिद्धांत रट रखे हैं दिमाग में, कर्म की, कर्म जड़ है, उसकी ताकत क्या कि चेतनवंत आदमी को दुखी कर सके। कर्म तो जड़ है, जैन धर्म के कर्म जड़ है, पुद्गल है, और पुद्गल की ताकत नहीं है कि आदमी को दुखी कर सके और सुखी कर सके, सुखी भी नहीं। कर्म केवल परिस्थिति खड़ी करता है, याद रखो सूत्र, बराबर दिमाग में कंप्यूटराइज कर लो, इधर कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लोग रोदन रोते हैं स्वामी जी शुक्रिया असाता न उदय न, कि कर्म परिस्थिति खड़ी कर सकता है, किसी को सुखी दुखी नहीं बना सकता। सुखी दुखी बनना व्यक्ति का अपना चॉइस है, खुद का चॉइस है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जो महावीर प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं, जो चंदनमाला प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं, जो खंडक मुनि 500 मुनियों को जला दिया, मार दिया, तो उसमें पील दिया, लेकिन फिर भी वो सुखी रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते।
तो दादाजी फिर चौथी बात समझा रहे हैं, बेटा हर एक परिस्थिति को देखने का एक दृष्टिकोण होता है। आप हार को नेगेटिव देखो तो दुखी रहोगे और हार को पॉजिटिवली लो तो सुखी रहोगे। और उसके हाथ माथे पर हाथ रख के कहा, बेटा याद रखना जिंदगी में कभी कभी हार भी पराजय भी वरदान होती है। कैसे दादाजी? कहा कि जब जिंदगी में पराजय होती है ना तो अपना ईगो डिसॉल्व होता है। जिंदगी में जब पराजय हो ना तब हमारा अहंकार पिघलता है और विजय होती है तब अहंकार पुष्ट होता है। हार में पॉजिटिव लो तो, पराजय को पॉजिटिवली लो तो तुम्हारा अहंकार पिघल जाएगा। नंबर वन, पराजय को तुम पॉजिटिवली लो तो तुम उस घटना से कुछ सीखोगे, सीखने को मिलेगा। और पराजय को पॉजिटिवली लो तो उसके कारण तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। पराजय को पॉजिटिवली लो तो पराजय कर्म बंधन का निमित्त नहीं बनेगा। कितने फायदे! और वसुमती के चेहरे पर चमक आ गई। दादा ने कहा, बेटा बेटा ये तो छोटी रमत है, इसमें हार गए इतना दुखी हो गए, अभी जिंदगी बहुत पड़ी है, जिंदगी में तो बहुत अवसर आएंगे हारने के, जीतने के, गिरने के, उठने के, और इसी तरह तुम दुखित होते रहोगे तो जिंदगी कैसे जियोगे? जिंदगी स्वयं एक परीक्षा है, जिंदगी स्वयं एक खेल है, और उसमें अगर नेगेटिव दिन आएंगे तो क्या करोगे? 8 साल की बच्ची को उस दादा शिक्षा दे रहे। कभी और पांचवी बात बताई कि बेटा जिंदगी में याद रखना, कभी भी कोई भी परिस्थिति आए किसी दूसरे को दोषित मत ठहराना, किसी दूसरे को दोषित मत ठहराना कि वो दोषी है, उसके कारण ऐसा हुआ। ये किसी को दोषित ठहराना तुम्हारी अपरिपक्वता की निशानी, तुम्हारी इमेच्योरिटी की निशानी है। कभी किसी को उसके लिए दोषित घोषित मत करना। जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, बहुत प्रसंग आ सकते हैं, और ये दादा के वचन याद रखना। अभी से नींव मजबूत कर रहे हैं दादाजी, क्या कर रहे हैं? अभी से भविष्य की नींव मजबूत कर रहे हैं, जो घटनाएं आने वाली है उसके लिए तैयार कर रहे हैं। और छठी बात कहते हैं, और वो पूछती है वसुमती, तो फिर ये पराजय में भी पॉजिटिव रहना, ये सारी चीजों के लिए कोई उपाय? तो क्या एक उपाय है बेटा, हमेशा याद रखना जिंदगी में जो भी स्थितियां आए उसको स्वीकार करना। स्वीकार में स्वयं दुख खत्म हो जाता है, दोष देने की वृत्ति खत्म हो जाती है, दूसरे को उपादान मानने की भावना खत्म हो जाती है। स्वीकार भाव सूत्र दे रहे दादाजी को, हर प्रतिकूल घटना को क्या करो, आ जाए जीवन में, ना आए तो लाने की जरूरत नहीं है, उतने ही बहुत है, मैनेज कर लो। स्वीकार करता हूं। महावीर स्वामी की साधना का रहस्य क्या था? स्वीकार भाव। चंड कौशिक ने डंक मारा, स्वीकार भाव। संगम ने कष्ट दिए, स्वीकार भाव, कोई संघर्ष नहीं। और अंतिम बात उन्होंने बताई कि बेटा याद रखना, हमेशा कोई भी घटना घटे मत सोचना कि उससे वो घटना अन्यथा घटित हो, जो भी घटना घटे उससे अन्यथा होने की आकांक्षा मत रखना। अन्यथा मतलब सुनिए, कोई भी घटना घटे वो इस तरह से नहीं घटनी चाहिए थी, अन्य पॉजिटिवली घटनी चाहिए थी, ऐसा विरोध खड़ा मत करना। और लास्ट में अंतिम बात कहते हैं, बेटे तुम जिनेश्वर की भक्ति करते हो ना रोज, जिनेश्वर की पूजा करते हो ना, तो जरा याद करो शास्त्र में पूजा का फल क्या बताया। पूजा का फल क्या शास्त्र में बताया है? पूजा का फल चित्त प्रसन्नता है, पूजन फल कहो, चित्त की प्रसन्नता पूजा का फल है। बेटा याद रखना, तू भगवान की बंदगी करती, मुझे मालूम है दादा को मालूम था, वसुमती बात अनुकरणीय चीज है, तू रोज भगवान की बंदगी करती है और आंसू बहाती है भगवान के सामने। याद रखना, बंदगी करने से चित्त उदास नहीं होना चाहिए, प्रसन्न चित्त रहना तो ही तुम्हारी पूजा वहां तक पहुंचेगी। याद रखना, चित्त को प्रसन्न रखना, परिस्थिति को स्वीकार करोगे तो सुख।
ये सात सूत्र वसुमती को बचपन में उसके सबकॉन्शियस में डाल दिए। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, हम शीघ्र लौटते हैं। मंगलम में आपका स्वागत है। अब हम प्रस्तुत करते हैं देश विदेश की जैन न्यूज़। उसके बाद में आप देखेंगे नौकार स्मरण के साथ महावीर जीवन दर्शन, और अंत में आपको देंगे हम एक सुविचार। Indian nuclear scientist S.K. Jain has been elected chairman of the governing board of World Association of Nuclear Operators, WANO, Tokyo Center. The first Indian to hold this position, Jain is a former chairman and managing director of the Nuclear Power Corp of India. He was elected at a meeting in Tokyo. WANO is the International Nuclear Organization of Utilities and Operators, committed to work for the enhancement of safety and reliability to the next higher level. The Jain Center, Central Ohio, had celebrated its Pratishtha Mahotsav from July 20 to 23, 2012. The center was founded in 1991. The temple structure looks like a traditional temple with an area of over 7,600 square feet. The temple complex will also consist of an upashray, library, and a classroom for adult and children religious classes. The Pratishtha Mahotsav was attended by many dignitaries. In July 2012, the Jain community of New Jersey celebrated a grand Pratishtha Mahotsav of a newly built temple in Franklin Township. A large number of people from all over the USA gathered for the event. The center is believed to be the largest in the USA. This is all we have for today's Jain News. We'll be back next week. Until then, Jai Jinandra. करता इंद्रो बोले ओम नमो आयरियाणम, मेरु शिखरे प्रयाण करता ओम नमो वज्रायाणम, मेरु शिखरे अभिषेक करता नमो लोये समसाहूणम, चरण अंगूठे मेरु कम पावे तेसो पंचन मुक्कारो, छप्पन देख कुवरी बोले वर्तमान महावीर कहवाया
उज्ज्वल कन दिए केवल प्रण पाम्या शरण मा देश न देता अष्ट प्रतिहारी संग विहार करता गण धर पद ने प्रदान करता पोषण ते जो लेशा छोड़े सोल प्रहर प्रभु देश न देता सिद्ध शीलाय प्रभु जी सिधावे अपाप पूरी अंतिम यात्रा from New York and this is the thought of the day. Kindness multiplies fast and brings tremendous dividends. Jai Chindra. आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. हम चाहेंगे आप अपने प्रोग्राम बच्चों के प्रोग्राम हमें भेजते रहिएगा. उन्हें हम मंगलम में प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करेंगे. ज़्यादा जानकारी आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएगी. अगले हफ्ते तक आपकी आज्ञा चाहते हैं. धन्यवाद. जय जिनेंद्र. आशा है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा. आपके विचार हम जानना चाहेंगे. हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर. हमारे प्रोग्राम की सफलता आपके सहयोग पर निर्भर करती है. आपका सहयोग हम हमेशा चाहेंगे. अपने टैक्स डिडक्टिबल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट www.mangalamshow.com.